हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। राजस्थान के चूरू में स्थित एक प्राइवेट विश्वविद्यालय के चेयरमैन को हरियाणा विजिलेंस ब्यूरो ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। आपको बता दें कि चेयरमैन पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। दरअसल यमुनानगर के 41 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान करने के नाम पर 24.51 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई थी। यमुनानगर के गुरुदेव कौर और उनकी बेटी गाजियाबाद के मयंक चौधरी और लाडवा के मुकेश कुमार भी विजिलेंस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में आरोपी हैं। आरोपी जोगिंदर को यमुनानगर अदालत में पेश किया गया, जहां 13 सितंबर तक उसका 6 दिन का पुलिस रिमांड मंजूर किया गया है। सिंह दलाल पहले पूर्व चेयरमैन रहे हैं ओबीजीएस विश्वविद्यालय के, तो इस केस में एलिगेशन है कि शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड स्टूडेंट्स की जो स्कॉलरशिप फंसी है उसमें 41 पात्रों का जो अमाउंट है वो इन्होंने इन लोगों ने जो है मिलके एलिगेशन है कि इन्होंने गबन किया है और ऐसे कोई 41 पात्र पाए नहीं गए। ये जो अदालत में स्टेट विजिलेंस ब्यूरो पंचकुला की तरफ से उनके ऑफिशियल पेश हुए और उन्होंने आज अदालत से जोगिंदर सिंह का रिमांड मांगा है। 10 दिन का रिमांड मांगा था जिसमें से अदालत ने 6 दिन का रिमांड उन्हें दिया। जहाँ तक ये एलिगेशन है, सारे एलिगेशन जोगिंदर सिंह के खिलाफ झूठे हैं।